जैसे कि हमने देखा कि गूगल रेटिंग्स को और स्टार्स को और बाकी इन्फॉर्मेशन को गूगल सर्च रिजल्ट में दिखाता है रिव्यूज़ भी उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसमें अगर आपने किसी वेबसाइट किसी कंपनी किसी प्रोडक्ट को रिव्यू किया है तो आपकी स्टार रेटिंग या आपकी वेबसाइट पे जो भी रिव्यू लिखा हुआ है उसकी स्टार रेटिंग लोगों को नज़र आएगी सो so, एक एग्जांपल मूवीज़ की है अगर आप कोई मूवी का नाम सर्च करें तो आपको अक्सर उसमें क्रिटिक रिव्यूज़ मिलते हैं या आई के रिव्यूज़ मिलते हैं जिसमें से टेन आउट ऑफ टेन uh, you know, में से कोई ना कोई रेटिंग होती है और आप इस रेटिंग पे डिसाइड करते हैं कि मूवी अच्छी है या बुरी है देखनी है या नहीं देखनी तो ये चीज़ें मैटर करती हैं लेकिन मूवीज़ का एक प्रॉपर सेपरेट टैग है जिसमें मूवी के अंदर एक्टर कौन था डायरेक्टर कौन था वो सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकें लेकिन एक अगर आपको लगता है कि आपका रिव्यू किसी कैटेगरी में फॉलो नहीं करता यानी कि स्पेसिफ़िक रेसिपी रिव्यू नहीं है मूवी रिव्यू नहीं है या और कोई रिव्यू नहीं है जिसकी स्कीमा में आपको नहीं इन्फॉर्मेशन मिल रही आपका जनरल रिव्यू है आप जनरल रिव्यू के लिए भी एक रिव्यू के लिए ये टूल यूज़ करके आप रिव्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं सो so आप दोबारा ऐसी चैट पर जाएंगे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एक रिव्यू का फॉर्मेट बता दूंगा कि अगर आपने कुछ भी रिव्यू करना है बेशक आप अपने पर्सनल ब्लॉग में कर रहे हैं आप बिज़नेस ब्लॉग में कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए आप आर्टिकल लिख रहे हैं आप ये रिव्यू का टैग उसमें डालकर रेटिंग्स वाला पार्ट जनरेट कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रेजेंस है सर्च इंजन में वो बेहतर हो जाएगी आपके कंपेटर से और बेसिकली आप यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करेंगे आइए देखते हैं मैं एस सी चैट के रिव्यू वाले सर्च निपट के ऊपर गया हूँ आप इस पर जा सकते हैं स्कीमा डॉट ओ टूल्स में आप देखें रिव्यू की एक ऑप्शन है यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये टूल आ, मिल जाएगा इसमें वही फील्ड दोबारा से अवेलेबल हैं मैं सिर्फ रिव्यूज़ का नाम लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट वन रिव्यू मैंने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा है तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखूँगा और उसके बाद रिव्यू लिख सकता हूँ सो अगर आप यहाँ पर कोई एक्चुअल आपने नाम लिखना प्रोडक्ट वन नहीं लिखना और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है उस प्रोडक्ट की क्या आपका ओपिनियन क्या था उसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी तो यहाँ पर आप वो डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं आप देखेंगे इसमें ज़्यादा डिटेल में उन्होंने चीज़ें नहीं मांगी उसने सिर्फ रिव्यू का यू पूछा है यहाँ पर जो भी आपकी वेबसाइट है उसका आप यू दे सकते हैं जहाँ पर वो यूर वो रिव्यू पड़ा हुआ है मतलब कि आपका एक्चुअल वो रिव्यू वाला यू होगा जहाँ पर आपने वेबसाइट में लिखा हुआ ऑथर अगर आप खुद हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे अगर आपकी वेबसाइट में नाम लिखना है तो आपकी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं किस दिन वो रिव्यू पब्लिश होगा या हो चुका है वो आप डेट डालेंगे आइटम्स कौन सी आपने रिव्यू की हैं यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं रिव्यू की बॉडी क्या होगी उसकी रेटिंग क्या है रेटिंग के मराद आपने उसको कितनी रेटिंग्स दी है ये ये रेटिंग आपने देनी है उससे पहले स्केल डिसाइड करना ज़रूरी है कि जीरो मिनिमम स्केल है और टेन मैक्सिमम स्केल है जीरो से टेन में आपने अगर उसको एट दिया है तो वो यहाँ पर एट के वो रिव्यू आ जाएगा इसको मैं यहाँ पर जनरेट करने के लिए क्लिक करूँगा तो नीचे कोड जनरेट हो जाएगा और ये कोड आप जाके अपनी वेबसाइट में पेश कर सकते हैं मैं आपको अभी इसमें रिस्नेपर्ड डेटा टेस्टिंग टूल में मैं आपको टेस्ट रन करके दिखा सकता हूँ कि ये गूगल ने क्या पिक किया और क्या नहीं आप देखेंगे कि गूगल ने फ़ॉर रिव्यू का डेटा पिक कर लिया है उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह जो चीज़ें मैंने ऐड की थी वो सब ऐड हो चुकी हैं सिर्फ एक एरर दे रहा है कि उसने कोई आइटम रिव्यू नहीं की सो so बेसिकली मैंने यहाँ पर ये यह फील्ड ब्लैंक छोड़ी थी यहाँ पर बेसिकली जिस आइटम को आप रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे वो आइटम क्या है मोबाइल मौ, मौ, डिवाइस है कैमरा डिवाइस है या कुछ भी आप रिव्यू कर रहे हो यहाँ पर लिखेंगे और उसकी रिव्यू की बॉडी क्या है कि आपका रिव्यू एक्चुअली है क्या आप उसकी समरी यहाँ लिख सकते हैं और जब आप अपने वेबसाइट में उसको डालेंगे तो गूगल एक्चुअली इसको शो करेगा फ़िलहाल उसने सिर्फ एक कैरेक्टर दिखाया है मगर आइटम लिखूँ तो मेरा रिव्यू पब्लिश हो सकता है बेसिकली रिव्यू की बॉडी भी ऑप्शनल है तो so, इस तरह से आप अगर कोई भी वेबसाइट रिव्यू कर रहे हैं कुछ भी आप रिव्यू कर रहे हैं तो आप उसमें ये कोड यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा कि आप किसी भी चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं अब ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि अगर आपने किसी बुक का नाम लिखा है आपने किसी और चीज़ के बारे में रिव्यू किया है आप उसके बारे में ये रेटिंग जनरेट करें और अपने गूगल में पोजीशन जो है वो इन्हेंस करें अपनी लुक इन्हेंस करें ताकि यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और ज़्यादा ट्रैफिक आए ज़्यादा ट्रैफ़िक आने से आपकी अल्टीमेटली गूगल आपको ऊपर लेके जाएगा क्योंकि आप उसको वैल्यूबल इंफॉमेसन दे रहे हैं So, सो स्टेटमेंट बेसिकली इन्हीं चीज़ों में हेल्प करते हैं आई होप ये आपको आ, ये भी आपको या आपके क्लाइंट को भी हेल्प करेगा